ना मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपका कैमरा ही सब बता रहा है। एक ऐसा माहौल है, जो उत्साह है ये दर्शाता है कि कैंडिडेट हमारे सोनम जी उनकी जीत तो पक्की है ही, अब लड़ाई से विनिंग मार्जिन को लेकर। क्या लग रहा है, मुकाबला एक तरफा होने वाला है या फिर टक्कर का है? भाई ये देख के तो एक तरफा ही लग रहा है। नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं, मैं हूं परमवीर सिंह। चिराग पासवान मुकामा पहुंच चुके हैं और मुकामा में रोड शो कर रहे हैं बीजेपी के पक्ष में। चिराग पासवान ने पूरा माहौल बना दिया है। देखिए चिराग पासवान से इस बीच बातचीत की गई है और चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है, पहले आप वीडियो में देखिए। चिराग जी क्या कुछ कहना चाहेंगे मुकामा चुनाव के ऊपर? भाई ये उत्साह और ये जन सैलाब देख के मुझे लगता है मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपका कैमरा ही सब बता रहा है। एक ऐसा माहौल है, जो उत्साह है ये दर्शाता है कि कैंडिडेट हमारे सोनम जी उनकी जीत तो पक्की है ही, अब लड़ाई से विनिंग मार्जिन को लेकर। आपके आने से कितना फायदा मिलने वाला है? भाई आने से फायदे की बात नहीं है, मेरे नेता उनके जाने वाले उनके समर्थक हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के बहुत हैं और वो सब एकजुट होकर बीजेपी के प्रत्याशी जिताने में लगे। क्या लग रहा है, मुकाबला एक तरफा होने वाला है या फिर टक्कर का है? भाई ये देख के तो एक तरफा ही लग रहा है, एक तरफा। चिराग जी लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहिए इसके ऊपर? ये प्यार ही है जिसने मुझे इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी मेरा साथ दिया, मेरी मजबूती दी। क्या कारण, प्यार पे ही विश्वास है मुझे कि ये सीट भी हम लोग जीतेंगे। क्या कारण है कि इतना समय लग गया आपको प्रचार में आने के लिए? भाई कुछ बातचीत चल रही थी गठबंधन के भीतर और मुझे लगता है कि अब ये खूबसूरत शुरुआत है, आज उगते सूरज को अर्घ दिया है हम लोगों ने और आज के दिन से ये प्रचार की शुरुआत हुई है। मुझे लगता है अगले दो दिन में पूरी परिस्थिति एक तरफा हो जाएगी। तो आपने सुना कि चिराग पासवान ने कहा कि ये जनता का अपार समर्थन बता रहा है कि यहाँ पर जो चुनाव है वो एक तरफा है, बीजेपी की प्रत्याशी सोनम देवी एक तरफा यहाँ से चुनाव जीत रही है। इस प्यार के लिए बिहार की जनता को चिराग पासवान ने आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस परिस्थितियों में बिहार की जनता से प्यार दुलार मिलता रहा है और साथ मिलता रहा है। चिराग पासवान ने कहा है कि मोकामा में बीजेपी की उम्मीदवार एक तरफा चुनाव जीत रही हैं, यहाँ पर कोई लड़ाई और टक्कर नहीं है। तो चिराग पासवान के इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।